हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मुझे कुछ सारे इंपॉर्टेंट अपडेट यूबीसी के बारे में मिला जो कि मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू शेयर कर दूंगा। वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है मगर इन्फॉर्मेशन से भरा होगा, तो काइंडली वीडियो को स्किप ना करें और ऐसे ही कतर के बारे में डेली अपडेटेड रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कराना भूले। ओके, तो चलिए शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को ईद मुबारक। तो पहले तो मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ सारे क्यूबीसी सेंटर का अपडेट देना चाहता हूँ कि 6 के 6 कंट्री में कब क्यूबीसी यहाँ भी बंद रहने वाला है, कब चालू होने वाला है, तो काइंडली थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। और यहाँ पे मैं स्क्रीन में आप लोगों को हर एक कंट्री का क्यूबीसी सेंटर का नंबर भी यहाँ पे शो करूंगा, तो काइंडली आप लोग वीडियो को पॉज करके नंबर को चेक कर सकते हैं और नंबर में कॉल करके अगर आप लोगों को क्यूबीसी सेंटर के बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप लोग उसी नंबर में कॉल करके पूछ सकते हैं। आप लोगों का कंट्री का नंबर यहाँ पे मैं आप लोगों को शो करूंगा। ओके, तो यहाँ पे मैं पहले आप लोगों को फिलीपींस क्यूबीसी के बारे में बताना चाहूंगा कि फिलीपींस क्यूबीसी यहाँ पे 20 तारीख को मतलब आज का डेट में यहाँ पे ईद के शुभ अवसर के लिए यहाँ पे क्लोज रखा जाएगा और कल से इसका नॉर्मल ऑपरेशन चालू होगा। आप लोग यहाँ पे अगर कुछ भी क्वेश्चन रहता है फिलीपींस क्यूबीसी के बारे में तो आप लोग स्क्रीन में दिखाए हुए नंबर पे फिलीपींस का जो नंबर है नीचे वाला उसमें आप लोग जाकर कॉल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मैं आप लोग को यहाँ पे बांग्लादेश या फिर ढाका क्यूबीसी के बारे में यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ढाका क्यूबीसी यहाँ पे 20 जुलाई एंड 21 जुलाई मतलब आज को और कल को यहाँ पे ईद के शुभ अवसर के लिए यहाँ पे क्लोज रखा जाएगा और नेक्स्ट वर्किंग डेज यहाँ पे 25 जुलाई से चालू होगा। अगर आप लोग को क्यूबीसी सेंटर के बारे में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग स्क्रीन में दिखा हुआ है बांग्लादेश क्यूबीसी में आप लोग डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, अभी मैं आप लोग को इंडिया के क्यूबीसी के बारे में बताऊंगा कि इंडिया का कोलकाता क्यूबीसी यहाँ पे 21 जुलाई मतलब कल का दिन को वेडनेसडे यहाँ पे क्लोज रहने वाला है और 22 जुलाई से यहाँ पे नॉर्मल ऑपरेशन चालू होने वाला है। और कोची क्यूबीसी यहाँ पे 20 जुलाई मतलब आज का दिन में यहाँ पे क्लोज रखा जाएगा और 21 जुलाई मतलब कल से यहाँ पे नॉर्मल ऑपरेशन चालू होगा और बाकी के 5 क्यूबीसी सेंटर यहाँ पे नॉर्मल ऑपरेशन जारी रखेंगे। तो यहाँ पे जितने सारे लोग मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं कि लखनऊ क्यूबीसी, मुंबई क्यूबीसी, हैदराबाद क्यूबीसी ये सब ओपन है कि नहीं, तो ये सारे क्यूबीसी यहाँ पे ओपन है एज पर क्यूबीसी कतर वेबसाइट। अगर आप लोग को इससे भी ज्यादा कुछ भी डाउट आता है तो स्क्रीन में दिखा हुआ है जो नंबर आप लोग को शो कर रहा है इस नंबर पे आप लोग डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, और यहाँ पे अभी एज पर क्यूबीसी कतर साइट यहाँ पे पाकिस्तान क्यूबीसी, नेपाल क्यूबीसी, श्रीलंका क्यूबीसी के बारे में कोई भी अपडेट नहीं है, मतलब ये सारे के सारे क्यूबीसी सेंटर अभी ओपन है। अगर आप लोग को कुछ भी डाउट आए तो आप लोग यहाँ पे तीनों क्यूबीसी के नंबर 1 by 1 देख सकते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके जो भी क्यूबीसी में आप लोग को कॉल करना है उस क्यूबीसी का नंबर आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। ओके, अभी मैं आप लोग को क्यूबीसी के ऊपर 2 छोटे-छोटे यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। क्यूबीसी में जो वैक्सीन हम लोग को दिया जाता है दोनों वैक्सीन वो क्या कोविड वैक्सीन है, तो यहाँ पे मैं आप लोग को बताना चाहूंगा क्यूबीसी में जो दो वैक्सीन दिया जाता है उसका नाम है MMR और TD वैक्सीन। जो कोविड का वैक्सीन नहीं है वो किसी टाइप के स्किन एलर्जी के लिए ये वैक्सीन दिया जाता है। पर्टिकुलर क्या है मैं डॉक्टर नहीं हूं इसलिए मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूं, मगर वो कोविड वैक्सीन नहीं है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिए। ओके, तो बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि क्यूबीसी में मेरा वैक्सीनेशन हो गया तो वो टोटली अलग वैक्सीन है। ओके, अभी सेकंड क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगा कि बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि क्यूबीसी प्रीमियम सर्विस लेने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग का वीजा स्टेटस जो है वो अंडर आउटसाइड प्रोसेस में है तो आप लोग किसी भी डेट में अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और आप लोग किसी भी दिन में जाके मतलब अगर तो आज कल चाहे तो कल आप लोग वहां पे जाके कोई भी क्यूबीसी सेंटर में जाके आप लोग 2500 रुपीज देके यहाँ पे क्यूबीसी लॉन्च सर्विस ले सकते हैं। मगर ये बात ध्यान रखिए कि हर एक क्यूबीसी सेंटर में यहाँ पे लिमिटेड सीट ही होता है, अगर आप लोगों को पहुंचने से पहले दूसरा कोई पहले से वहां पे पहुंच के सीट फुल हो जाता है तो आप लोग को नेक्स्ट दिन का वेट करना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे मैं और एक बात आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जो लोग कोई भी प्रोफेशनल वीजा में नहीं जा रहे, मतलब बेसिकली अगर एक बात बताना चाहूँ तो जो लोग प्राइवेट सेक्टर में जा रहे या तो भी जिन लोगों का सैलरी 5000-6000 से कम है उन लोग सिर्फ अपना क्यूबीसी अपॉइंटमेंट लेटर और अपना ओरिजिनल पासपोर्ट ले जाने से ही होगा, यहाँ पे एजुकेशन सर्टिफिकेट ले जाने का जरूरत नहीं है। अगर आप लोग बहुत लोग क्वेश्चन करें कि एजुकेशन सर्टिफिकेट अटेस्टेशन कहाँ से करवाए तो आप लोग को यहाँ पे सिर्फ क्यूबीसी अपॉइंटमेंट लेटर और ओरिजिनल पासपोर्ट ले जाने से ही होगा और आप लोग को यहाँ पे कुछ भी कैरी करने का जरूरत नहीं है। ओके, तो यही छोटा सा इन्फॉर्मेशन मुझे आज को आप लोगों के साथ शेयर करना था। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करते हुए जाइए और ऐसे ही कतर के बारे में डेली अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, तो चलिए मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ।